हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनोज आप लोग का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं केरल के थेकड़ी के बारे में, जहां पर आपको कोई बीचेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो देखने को मिलता है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, केरल के नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आपको थेकड़ी ज़रूर आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केरल के थेकड़ी आप कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेज हैं, यहाँ पर होटल कहाँ पर लेना चाहिए, खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं और यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट सीजन क्या होता है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में जानेंगे कि यहाँ का टूर प्लान कुल कितने दिनों का होना चाहिए और घूमने में कुल कितने पैसे खर्च होते हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं थेकड़ी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप थेकड़ी कैसे पहुंच सकते हैं। तो थेकड़ी में न ही कोई रेलवे स्टेशन है और न ही कोई एयरपोर्ट है। जो आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा वो आपको कोची में मिलेगा, और वहीं पर एयरपोर्ट है जहां जो कि 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप थेकड़ी पहुंचना चाहते हैं तो आपको दो मार्ग से आप थेकड़ी पहुँच सकते हैं। पहला, एक तो या LAP के माध्यम से जा सकते हैं या एक आप मुन्नार के माध्यम से जाते हैं। मुन्नार यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और या LAP आपको यहाँ पर 120 से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो भी कोई लोग केरल घूमने आते हैं तो यहाँ पर टूर पैकेज लेते हैं जिनमें तीनों चारों प्लेसेस शामिल रहते हैं। या तो आप मुन्नार होते हुए आ सकते हैं या आप LAP होते हुए आ सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर होटल आप सिटी से बाहर ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट बने हुए हैं। रिसोर्ट के साथ आपको होम स्टे भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो आप ठहरने का एक नाइट का जो रेट लगता है वो आपको 2000 से 3000 रुपए के बीच में आप होटल आराम से बुक कर सकते हैं। इसी चार्ज में आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट शामिल रहता है। और अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स देखने के लिए आपको रिसोर्ट लेना बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको भोजन कहाँ पर करना चाहिए। ऐसे जहाँ पर आप ठहरते हैं, जिस होटल में आप रुकते हैं, तो उसका जो रेट रहता है उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। और आपको लंच या डिनर करने के लिए सिटी में बने हुए बहुत सारे रेस्टोरेंट जहां पर आप कर सकते हैं। और यहां पर आपको साउथ इंडियन डिशेज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, नॉर्थ इंडियन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और यहां पर साउथ इंडियन थाली मिल जाता है जो कि 120 से 150 रुपये के रेट में आपको केले के पत्ते पर यहाँ पर भोजन देते हैं। और शुद्धता और स्वच्छता का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। वही बात करें ब्रेकफास्ट की, इडली डोसा सांभर वड़ा ये सभी चीज़ें यहाँ पर नॉमिनल रेट में मिल जाते हैं। बहुत ही 20 से 30 रुपये में ही आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा होता है। वैसे तो दोस्तों, केरल घूमने के लिए बेस्ट सीजन आपको सितंबर से लेकर मार्च तक का होता है। ऐसे टूरिस्ट लोग यहाँ पर सालों भर आते रहते हैं, मानसून में भी जाते हैं, लेकिन केरल में मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो अगर आप घूमने का प्लान बनाते हैं तो आप सितंबर से लेकर मार्च तक रख सकते हैं। और इन दिनों में घूमना, केरल के नेचुरल ब्यूटी को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, जान लेते हैं कि आप कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो बेस्ट प्लेस है आपको पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप बोटिंग करते हुए जंगल के बीच में जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाथी देखने को मिल जाता है, बाघ देखने को मिल जाता है, बाइसन देखने को मिल जाता है और हिरण यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत प्रकार के आपको चिड़िया देखने को मिल जाते हैं, रंग बिरंगी चिड़िया आपको देखने को मिलती है। और बोटिंग करते हुए इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ही मज़ेदार होता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप एलिफेंट पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको एलिफेंट राइडिंग कर सकते हैं, एलिफेंट बात करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट राइड करने के बाद आप यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाय के बागान देख सकते हैं, मसालों की खेती देख सकते हैं, बहुत सारे मसालों की फैक्ट्रियाँ बनी हुई है वहाँ पर, जिसे कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर लोकल मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कथक डांस को देख सकते हैं, यहाँ पर शो चलता है कथक डांस, और मार्शल आर्ट के बहुत सारे थिएटर होते हैं जहाँ पर आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं और देखना बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ का जो टिकट होता है आपको 200 रुपये प्रति हेड, यानी आप कथक देखने जाते हैं तो 200 रुपये आपको देने होंगे और मार्शल आर्ट भी देखने जाते हैं तो आपको 200 रुपये देने होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दोस्तों अब जान लेते हैं कि थेकड़ी का टूर प्लान कुल कितने दिनों का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त होता है। एक दिन में इन सभी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आप एक नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह फिर से आप दूसरे प्लेस के लिए निकल सकते हैं। एक दिन में आपका सभी सारी प्लेसेस जो है आप देख लेते हैं। अगर आप और भी अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत समय देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दो दिन और एक नाइट स्टे करें बेटर होगा। वही बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर घूमने में कुल कितने पैसे खर्च होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नाइट स्टे करते हैं तो आपको 2,500 से 3,000 रुपये में रूम मिल जाता है। हम आपको 3,000 रुपये ही रूम का मानकर चलते हैं। उसके बाद आपको भोजन पे यहाँ पर एक दिन में एक आदमी का 500 रुपये, तो दो लोगों का हो जाता है 1,000 रुपये। 3,000 आपका होटल का, 1,000 रुपये आपको भोजन पर। वही बात करें आपको यहाँ पर घूमने के लिए कैब करते हैं, कार करते हैं, तो आपको 2,000 से 2,500 रुपये इसके लिए लग जाते हैं। यानी 3,000 से 5,000, 6,000 रुपये में आप पूरे थेकड़ी को दो लोग आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप वही नेशनल पार्क में बोटिंग करते हैं तो उसका चार्ज अलग से देना होगा। मार्शल आर्ट्स को देखते हैं और कथक डांस देखते हैं तो इनके लिए चार्ज अलग से लग सकते हैं। 6,000 से 7,000 रुपये में आप दो लोग आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप केरला घूमने जाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप पैकेज ले लें। किसी भी रजिस्टर्ड एजेंट से आप पैकेज ले सकते हैं और पैकेज में आपको सारी सुविधाएं दी जाती है। आप एक सप्ताह के लिए या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए अपने हिसाब से, अपने समय को देखते हुए, अपने बजट के हिसाब से यहाँ का टूर प्लान पैकेज ले लें, जो कि आपको घूमने में आसानी रहेगा। अगर आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेफ प्लेस है और आप यहाँ पर पैकेज लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वीडियो में थेकड़ी की सारी प्लेसेस को मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।